किशनगढ़ बास के गांव बाघोड़ा में किसान मजदूर न्याय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन मेवाती मोर्चा ERCP आंदोलन वे जल आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे किशनगढ़ बास के गांव बाघोड़ा में किसान मजदूर न्याय महापंचायत होगी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए जिला अलवर मेव पंचायत के प्रवक्ता कासिम मेवाती, मेवाती किसान मोर्चा के संयोजक मैनेजर शिफात खां, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मोर सहित मौलाना हनीफ, सूरजमल करदम सहित आदि किसान नेता पहुंचे। इस महापंचायत के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, विशिष्ट अतिथि भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हर्ष चिकारा सहित आदि किसान नेता रहेंगे। बड़ी साफ सी बात है, 2024 लोकसभा का चुनाव उरूज पर है, शुरू हो गया है। किसानों के साथ में जो भी कुछ धोखा हुआ, 13 महीने तक बॉर्डर पर हम रहे, लिखित में हमको सरकार ने आश्वासन दिया, कोई पूरा नहीं हुआ। इसके बाद में अब सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने चुनावी वादे लेकर के आ रही हैं। हम यहां पर कल किसान मजदूर न्याय पंचायत कर रहे हैं, उसमें हम समीक्षा करेंगे। एक तरफ तो एक गठबंधन या पार्टी है जो किसानों को MSP की गारंटी दे रही है, स्वामीनाथन कमेटी की गारंटी दे रही है, लेबर लॉज की गारंटी दे रही है, मिनिमम वेजेस की गारंटी दे रही है, नरेगा की मजदूरी बढ़ाने की गारंटी दे रही है, इन सब चीजों को। दूसरी तरफ वो 2047 का सपना, 2047 में कौन जिएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, ये सारे हवाई किले चला करके उन चीजों को लेकर के यहाँ पर हम किसान मजदूरों की पंचायत कर रहे हैं। रणनीतिक तौर पर यहाँ पर फैसला करेंगे और बड़ा ही साफ सी बात है, जो हमारे हक की बात कर रहा है उसके पक्ष में फैसला करेंगे और ये बात करेंगे कि उसके हक में हम 90% मतदान करें और इस झूठों को, जुमलेबाजों को, खासतौर से भाजपा को, इनको हराने के लिए काम करें। ये उद्घोष यहाँ से होगा। सर, ERCP की जहां तक बात है, ERCP पर भी ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने अभी जो पहली बात तो मध्य प्रदेश से समझौता करने की क्या बात थी, मध्य प्रदेश से जो समझौता किया है उसमें राजस्थान के हित का पानी 3400 से घटा करके 2400 कर दिया है। हमारे खासतौर से यहां पर सिंचाई के लिए इन जिलों में, पूरी राजस्थान में सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो ये बीजेपी ERCP की बात कर रही है, पूरी तरह से PMIC के लिए बनाया जा रहा है, उसमें किसान हित की कहीं कोई बात नहीं है। हम उसी ERCP की बात करते हैं कि जो 2017 में प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, जिसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात हुई, जिसमें सिंचाई के लिए पेयजल दोनों की बात हुई, वो एज इट इज, वो भी बीजेपी की सरकार ने बनाया था, वसुंधरा ने बनाया था, उस मसौदों पर लागू किया जाए। और ये झूठ बोलना, हाँ ये इवेंट अच्छा करते हैं और ये उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, ERCP पर इन्होंने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है और उसका भी ये जुलूस निकाल निकाल करके उसका झूठा आडंबर कर रहे हैं। इसलिए ये किसी भी तरह से किसानों का हित ऐसी नहीं है। इन्होंने अपना पूरा सबूत दे दिया है, 22 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करके इन्होंने पूरी तरह से अपना दिवाला घोषित कर लिया है, अपना सारा एजेंडा इन्होंने घोषित कर दिया है। इनको भगाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, किसान मजदूर को बचाना है, यही सारा उद्घोष कल यहां से करना है। कल हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जितने भी ज्यादा से ज्यादा मजदूर किसान आएंगे उतना उनका सबका स्वागत है। और हमारा ज्यादातर यही रहता है कि हम जितनी व्यवस्थाएं करते हैं मजदूर किसानों के सामने, वो सब व्यवस्थाएं फीकी पड़ जाती है, तो ये हमारा कोई नहीं, हमारा वॉलंटियर, क्योंकि रैलियों में जो टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं, भीड़ होती है, वो तो साधन लगा करके बसें हरियाणा से, अमित शाह की रैली में अमित शाह हरियाणा से भर भर के बसें बुलाई जाती है, इस तरह का यहाँ पर है नहीं। लोग चल करके आएंगे, ट्रैक्टरों से आएंगे, खुद के साधनों से आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ये प्रोग्राम बागोड़ा के पास में जो ईदगाह है, थाना घोड़ावाड़ी, उसके वहां पर प्रोग्राम आयोजित होगा। सुबह 10 बजे प्रोग्राम हो जाएगा, 10:30 बजे सत्यपाल मलिक साहब पहुंच जाएंगे, उनसे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पहुंच जाएंगे और वो ट्रैक्टरों के काफिले के साथ किसानों के साथ में यहां पर आएंगे। मलिक साहब बीमार होते हुए भी आज तक किसी प्रोग्राम में वो पिछले महीने भर से नहीं गए हैं, मेवात से खासतौर से मोहब्बत जाहिर करने के लिए वो यहां पर आ रहे हैं। पहले भी मेवात में आए हैं, वो मेवात के हक में बात की है। और यहां पर हर्ष शिकारा और पूनम पंडित, सुमन हांडा, ये सब लोग किसान, जो लट चलाने वाली महिलाएं हैं, जो किसान नेत्री हैं, वो सब लोग आ रहे हैं, तो हम उनका सबका यहां पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कल इसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो विपक्ष की है, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आ रहे हैं और यूथ आइकॉन हर्ष शिकारा जी आ रहे हैं, इसमें पूनम पंडित जी आ रही हैं और खाप कोऑर्डिनेटर के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी पधार रहे हैं।
देखो किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हाल की जो मौजूदा सेंटर सरकार है उसने कहा कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं 2047 तक करेंगे। जिस तरीके से किसान की इनकम जो खर्चा है वो तो बढ़ता जा रहा है और इनकम घटती जा रही है, जो मूल मुद्दे हैं उन पर काम नहीं किया जा रहा। आज किसान को इस क्षेत्र में पानी की ज़रूरत है, MSP की ज़रूरत है, MSP पर हमारे यहाँ पर कोई फसल नहीं बिकती है। पंजाब हरियाणा में कुछ फसल बिकती है, वहाँ का किसान ताकतवर है, वो लड़ भी सकता है। हमारे यहाँ पर ना बाजरा बिकता है ना सरसों बिकती है, और अगर बिकता भी है तो मान लो 2-4%। अब मान लो कि अब जैसे अप्रैल में गेहूँ या अपना सरसों बिकी तो उसका पेमेंट ही मई जून तक होगा, लेकिन जब किसान अब जो फसल काटेगा उसके तुरंत बाद उसे अगली फसल भी बीजनी पड़ेगी। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने काम नहीं किया, जो 2014 में वादे किए गए थे 2024 तक कुछ नहीं हुआ, उस सब के खिलाफ ये पंचायत की जा रही है। किसान महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है किसानों की मांगों को किया जा रहा है, जो भी वर्तमान में भारत सरकार ने 14 में आने के बाद में वादे किए थे एक भी वादा किसानों के साथ पूरा नहीं किया। ना वो MSP दर का किया, ना 22 में दुगनी आय करने का था वो पूरा किया, ना ही किसी तरीके की आमदनी के चक्कर में मजदूर और किसान के साथ कोई अच्छा समझौता किया। इसलिए जो इनकी उल्टी नीति है मजदूर और किसान के खिलाफ, इस सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ कल जो है ये 16 तारीख का जो है किसान महापंचायत का जो है हमारा यहाँ का प्रोग्राम है, और इसके तहत हम पूरे भारत में, पूरे किसान यूनियन के तहत पूरे भारत में संदेश देंगे कि जो सरकार किसान मजदूर के लिए काम नहीं करती है वो सरकार किसी काम की नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। हम किसान मजदूर के साथी हैं, सबसे पहले हम किसान हैं, मजदूर हैं, ना ये ERCP पे काम कर रही है, ना MSP पे काम कर रही है, और ना ही किसी मजदूरी के लिए कोई काम कर रही है। इसलिए जो हमारा कल का किसानों का कारवा है वो सबसे बड़ा यही कारवा है कि हम किसान मजदूर सब इकट्ठा होकर के, और जो वर्तमान भारत की सरकार है उसके खिलाफ जुनून है हमारे लिए, और वो जुनून हम कल उजागर करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे, यही हमारा प्रस्ताव है।